हेलो फ्रेंड्स, मिंकीज किचन में आपका वेलकम है। आलू गोभी की सब्जी तो आपने बहुत बनाई होगी, लेकिन एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखें, ये आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी और बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे एक गोभी लिया है, इसे इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। हम यहाँ पे डेगची चढ़ा देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, इसलिए कि हम गोभी को उबालने वाले हैं। इसमें हम आधा चम्मची नमक डाल देंगे और आधा चम्मची हल्दी, मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम गोभी डाल देंगे। गोभी को उबाल के बनाने से कीड़ा वगैरह मर जाता है या निकल जाता है, और एक बार आ जाए तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे और गोभी को छान लेंगे। आप देख सकते हैं एक बॉयल आ चुका है, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इस गोभी को हम पानी से ड्रेन आउट कर लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। इस कढ़ाई में हम सरसों का तेल डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम गोभी को फ्राई करेंगे। ढक्कन से छिपा कर डालेंगे। मैं यहाँ गोभी को फ्राई करके बना रही हूँ, आप चाहें तो बिना फ्राई करके भी बना सकते हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर लग रहा है। अगर हम पानी में हल्दी नहीं डालते तो इतना खूबसूरत कलर नहीं आता। और इस गोभी की सब्जी में डालने के लिए हमने यहाँ पे 3 आलू लिया है, इसे इस तरीके से चौकोर काट लिए हैं। अब इसी बचे हुए तेल में हम आलू फ्राई कर लेंगे और इसे भी हम 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। जब तक हमारा आलू फ्राई हो रहा है, इस बीच हम मसाला तैयार कर लेते हैं सब्जियों में डालने के लिए। आधा चम्मची जीरा डाल देंगे, 1/4 चम्मची गोलकी डाल देंगे और आधा चम्मची सरसों डाल देंगे। हमने यहाँ पे पीला सरसों का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो काला सरसों भी डाल सकते हैं, जिसे हम राई कहते हैं। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, इसे सूखा ही ग्राइंड करेंगे। ये देखिए ग्राइंड हो चुका है। 1 फोट लहसुन डाल देंगे, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और 1 छोटी साइज का प्याज डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब चलते हैं इसको ग्राइंड कर लेते हैं। मसाला हमारा ग्राइंड हो चुका है। अब इस कढ़ाई में थोड़ा तेल और डालेंगे और सबसे पहले इसमें तेज पत्ता डाल देंगे तोड़कर, और आधा चम्मची 5 फोरन डालेंगे, और इसमें हम कटा हुआ प्याज डाल देंगे। सब्जियों में अगर प्याज ज्यादा डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसे हम चला लेंगे इसका गोल्डन होने पर, और फ्लेम को मीडियम टू लो पर ही रखेंगे, तेज पर नहीं रखेंगे। ये देखिए 2 से 3 मिनट तक प्याज को फ्राई किए हैं। मसाला को डाल देंगे। मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डालकर धो कर डाल देंगे ताकि मसाला हमारा वेस्ट ना जाए। आधा चम्मची हल्दी डाल देंगे, आधा चम्मची लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मची धनिया पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मची काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मची नमक डाल देंगे। नमक अपने हिसाब से स्वाद अनुसार डालें। अब इसे हम चला लेंगे। फ्लेम लो टू मीडियम ही रहेगा। 2 से 3 मिनट होने चुका है। यहीं पर हम टमाटर डाल देंगे। मैं यहाँ से कटा हुआ टमाटर डाल दूंगी, चॉपर से क्रश किए थे, आप चाहे तो टमाटर का प्यूरी भी डाल सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक ढक देंगे ताकि टमाटर हमारा गल जाए। 2 से 3 मिनट हो चुका है। अब हम मसाला को चेक कर लेते हैं। ये देखिए मसाला हमारा भुना चुका है। अब इस स्टेज पे हम फ्राई किए हुए सब्जियों को डाल देंगे। अब चला लेंगे। इसे भी हम 2-3 मिनट तक साथ में भूनेंगे। अब इसमें 1 कटोरी हम पानी डाल देंगे। पानी अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पानी ज्यादा डाला है फ्रेंड्स, इसलिए कि मुझे ग्रेवी ज्यादा चाहिए। ग्रेवी वाली सब्जी रोटी के साथ, चावल के साथ, सबके साथ बहुत परफेक्ट जाती है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि आलू और गोभी हमारा सॉफ्ट हो जाए। 10 मिनट हो चुका है। अब अपने सब्जियों को हम चेक कर लेते हैं। अब हम आलू को देख लेते हैं, गला है कि नहीं। ये देखिए आलू बिल्कुल गल चुका है। फ्लेम ऑफ कर देंगे। फ्लेम ऑफ करने के बाद धनिया पत्ती से गार्निश करेंगे। धनिया पत्ता डालने से सब्जियों की टेस्ट और भी बढ़ जाती है।
एक बार मेरी तरीके से बना कर देखें फ्रेंड्स, अगर एक बार मेरी तरीके से बना लेंगे तो हर बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। वाह क्या खुशबू है, ये इतना टेस्टी बनती है ना फ्रेंड्स कि आपके घर वाले इस रेसिपी के फैन हो जाएंगे और बार बार इस रेसिपी को बनाने के लिए बोलेंगे। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है, इसे बनाएं, खाएं, खिलाएं और तारीफ पाएं। ये सब्जी दिखने में जितना खूबसूरत है खाने में उससे कहीं ज्यादा टेस्टी, इसे बनाकर ट्राई जरूर करें, ये आपको और आपके फैमिली को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। फ्रेंड्स मेरी रेसिपीज अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।